नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल ओपन स्टडी एरिया पर। जैसा कि आपको मालूम है कि आज हमारा संपूर्ण भारत कन्याकुमारी से लेकर जम्मू कश्मीर तक, अरुणाचल प्रदेश से लेकर गुजरात तक गणतंत्र दिवस की इस पावन पर्व में जुड़ा हुआ था। तो हमारे इस चैनल की तरफ से भी आप सभी को ढेर सारी बधाइयाँ 75वें गणतंत्र दिवस से। तो आज इस पूरे देश में क्या हुआ और कौन कौन सी चीज़ें हुई और आपके एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं, इन सभी चीज़ों को ध्यान में रख करके हम एक एक करके स्लाइड के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम चलते हैं इस गणतंत्र दिवस की पहली जो तस्वीर आई वो है कि गणतंत्र दिवस के लिए सबसे पहला जो चीज़ है आपके सामने वो ये है कि दोस्तों 75वां गणतंत्र दिवस 2024 मनाया गया है और इसकी शुरुआत जो है झंडोत्तोलन की, ऐसे तो 26 जनवरी की झंडोत्तोलन जो है राष्ट्रपति के द्वारा कर्तव्य पथ पर की जाती है, इससे ज़्यादा मायने नहीं रखना। लेकिन इससे पहले हमारे देश में प्रधानमंत्री के द्वारा जो है शहीदों को सबसे पहले श्रद्धांजलि दिया जाता है। इसके लिए शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री पहुँचे इंडिया गेट के सामने जो बने हुए स्मारक के साथ, जहाँ पर हमारे देश के जो रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी उपलब्ध थे। देश के तीनों ही सेना के अध्यक्ष यहाँ पर उपस्थित हैं और वहीं पर हमारे रक्षा मंत्रालय के यानी कि जो विशेष व्यक्ति हैं वो भी उपस्थित हैं। ये तस्वीर आपके सामने मनमोहक है, बढ़िया है। और यहाँ पर देखिए ये शहीद स्मारक के पास यानी कि जहाँ पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी जाने वाली थी वहाँ पर हमारी सेनाएँ तैयार थी। और उसके बाद ये है हमारी तस्वीरें, जो एक तस्वीर निकल करके 26 जनवरी 2024 को आया उसमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के जो वीर सपूत हैं और उनको श्रद्धांजलि देते हुए नजर आ रहे हैं। सभी क्वेश्चनों को हम इसमें टैग भी करेंगे। अब आइए क्वेश्चनों की शुरुआत यहाँ से हो जाती है जो आपके एग्जाम्स में सबसे पहले पूछे जाते हैं कि 75वें गणतंत्र दिवस 2024 की थीम क्या है। ये एग्जाम्स में पूछे जाने वाले पॉइंट व्यू की तरह से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके लिए है विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका की थीम है, यह जो है उसकी थीम है विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका। इन विषयों को माननीय प्रधानमंत्री जी के विचारों के अनुरूप चुना गया है कि भारत वास्तव में लोकतंत्र की जननी है। दोस्तों एक बात बता दें कि इस बार जो है अपना गणतंत्र दिवस है पूर्ण रूप से महिला सशक्तिकरण पर आधारित था, इसलिए पूरी झांकियां हर चीज़ हर परेड जो है महिला के द्वारा दिखाया गया है और बेटियां भी इस देश की आन मान शान है, इनको तस्वीरों में आप समझ सकते हैं। जैसा कि यहां पर देखिए ये जो झांकी दिखाया गया है ये देखेंगे अपने आप में एक बहुत ही बड़ी चीज़ है। इसमें लैपटॉप जो है लैपटॉप लिए हुए जो है भारत की जो फौज हैं वो यहाँ पर नज़र आ रही हैं। यह फिर आगे बढ़ते हैं इससे रिलेटेड बातें हैं, देख लीजिएगा कौन है इस बार के चीफ गेस्ट, ये एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं कि बताइए 24 जो 75वां गणतंत्र दिवस है 2024 का उसमें चीफ गेस्ट कौन है। ये है हमारे देश की माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी, उनके बगल में यही है फ्रांस के राष्ट्रपति जो हमारे इस गणतंत्र दिवस 75वें के क्या हैं मुख्य अतिथि हैं। इनके नाम की जहाँ तक बात करेंगे तो फ्रांसीसी नेता भारतीय गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि होंगे और जो इनका नाम है वो है फ्रांस के राष्ट्रपति है इमैनुअल मैक्रोन। याद रखेंगे इमैनुअल मैक्रोन जो है फ्रांस के राष्ट्रपति हैं और वो जो है गणतंत्र दिवस 2024 के भारत के मुख्य अतिथि रहे हैं। वहीं पर 2023 भी थोड़ा सा इंक्लूड कर लेते हैं कि इसके अगले साल जो थे मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी मुख्य अतिथि रहे हैं। अब याद रखिएगा ये सभी चीज़ें, तो आप ये तस्वीरों में देख सकते हैं द्रौपदी मुर्मू जी हैं और उसके बाद इमैनुअल मैक्रोन फ्रांस के राष्ट्रपति आपको नजर आ रहे हैं। अगली स्लाइड आपके बताती है कि क्या है इस बार की थीम, क्या है इस बार की थीम, तो यह गणतंत्र दिवस बीते कई सालों के गणतंत्र दिवस की तुलना में कई मायनों में बेहद ही अलग नजर आती है। इस बार की थीम विशेषकर महिलाओं पर केंद्रित है। भारत के इतिहास में यह पहली बार होगा कि सेना के तीनों अंगों से महिलाएं परेड का हिस्सा बनेंगी। वही इस बार की थीम विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका जो है इसकी अपना अपने आप में है। ये जो आपके पास तस्वीरें दिखाई दे रही हैं वो तस्वीर एक बाइक पर आठ आठ जो है महिला फौज रुकी हुई है, कुछ जो है लैपटॉप के साथ तो कुछ गन के साथ तो कुछ अपनी बिल्कुल सैन्य हथियारों के साथ ये करतब देख सकते हैं। महिलाएं किसी भी मायने में पीछे नहीं है, यह बात जो है गणतंत्र दिवस 75वां आपको जो है इंडिकेट करता है। ये जो तस्वीर देख सकते हैं एक बाइक पर जो है पांच पांच छः छः महिलाएं, देखिए कितना मनोरम दृश्य है भारत के लिए, ये एक बहुत ही बेहतर क्षण
है। नेक्स्ट देख लेते हैं, अगली स्लाइड्स में जो भी बिंदुएं आएंगी वो ये कहता है क्या है 2024 के गणतंत्र दिवस की खासियत। सबसे पहले क्या है अहमियत जो 2024 की गणतंत्र दिवस हुआ इसमें है, इस वर्ष कई नए बदलाव के साथ गणतंत्र दिवस का उत्सव मनाया गया। यह पूरा कार्यक्रम महिलाओं पर केंद्रित था, पहली बार ऐसा हुआ जब उत्सव की शुरुआत 100 महिला कलाकारों के द्वारा भारतीय संगीत से की गई थी। आगे कर्तव्य पथ पर एक महिलाओं की त्रि सेवा दल जो है यह प्रदान किया गया जो मार्च करेंगी। यह पहली बार होने जा रहा है जब किसानों के लिए भी एक खास पल होने वाला है। पहली बार गणतंत्र दिवस में देश के कोने कोने से 2024 में 1500 किसानों को भी हमारे मतलब गणतंत्र दिवस की झांकियों के लिए, गणतंत्र दिवस के लिए अतिथि के रूप में, यह अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है, अतिथि के रूप में किसानों को सम्मान दिया गया, अर्थात 1500 किसानों को भी अतिथि बनाया गया है। बात अगर हम कर्तव्य पथ पर आयोजित होने वाले झांकियों को करें तो इस बार की परेड में कुल 16 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को मिला दिया जाए तो केंद्र शासित प्रदेश और जो है राज्य हैं ये 16 मिल करके झांकियां इस बार कर्तव्य पथ पर अपनी दिखाई हैं। 9 मंत्रालय भी जो उसमें झांकियां प्रस्तुत की है, इन दोनों को मिला लें केंद्र शासित और 9 मंत्रालयों को तो कुल 25 झांकियां जो है कर्तव्य पथ पर आई। झांकियों की कुछ तस्वीरें आपके सामने यहां पर नज़र आ रही है, देख सकते हैं यह तस्वीर हरियाणा की झांकी की है। अगर बात करें कुछ और भी इसमें तस्वीरें आ सकती हैं, यहां पर देखिए यह भी एक झांकी की झलक है, ये मुझे लगता है ये हरियाणा के साथ ही है। पतनपोत और जल मार्ग यह भी अपने आप में एक अहमियत रखती है। उसके बाद ये मणिपुर की झांकी अपने आप में, और यहाँ पर देख सकते हैं ये तस्वीर जो दिखाई दे रहा है वह तस्वीर है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो हैं वह फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन हैं उनके साथ नज़र आ रहे हैं। तो दोस्तों यही था, जो भी चीज़ें आपके एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं उसको मैंने जितने इंपॉर्टेंट है उस सबको इस वीडियो में इंक्लूड करने की कोशिश किया है। यदि आपको हमारी ये इन्फॉर्मेशन पसंद आए तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने हमारे इस वीडियोज़ को देखा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अपने नए कंटेंट के साथ। शुक्रिया, जय हिंद।